तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सर्वे है ठीक है ना, उससे कैसे आपको टैकल करना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जब बात करते हैं हम सर्वेइंग की, तो देखिए सर्वेइंग में जो आपका एग्ज़ाम है जेई वाला, उसमें आप नोट करोगे कि 8 से 10 मार्क के क्वेश्चंस सर्वे के हमेशा पूछे गए हैं। ठीक है ना, ये एरो ऊपर का मतलब क्या है कि ये रेशियो बढ़ भी सकता है, मतलब 8 से 10 या 11 12 क्वेश्चन सर्वे के मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो उसको अपन को टैकल कैसे करना कि कौन कौन से टॉपिक्स में वो क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, वो उनको समझना है। ठीक है ना, ठीक है, तो देखिए अपने मेन टॉपिक्स को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला टॉपिक देखिए हमारा लेवलिंग है। ठीक है, अब देखिए लेवलिंग के अंदर मैंने लिख दिया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग भी यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, लेवलिंग में क्या बेसिकली राइज फॉल मेथड कौन सा है, एचआई मेथड क्या है, ठीक है, इनका न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये इन्वर्टेड स्टाफ वाले क्वेश्चन को भी हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है ना, और ये बेसिकली इनकी फुल कंसेप्ट क्या है, आप इसके लिए मेरे इसी पर्टिकुलर चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा सर्वे के, उसमें सर्वे के लेक्चर्स में आपको सारा जो न्यूमेरिकल है कैसे इसको टैकल करना है, न्यूमेरिकल विद सॉल्यूशन मैंने बता रखा है, आप उसको देख लेना। ठीक है, अब उसके अलावा सेकेंड टर्म बेसिक टर्म्स कौन कौन सी होती है, भाई बेंचमार्क क्या होता है, ठीक है ना, एचआई क्या होता है, लेवल लाइन क्या होती है, सर्वे लाइन क्या होती है, ये उसकी बेसिक डेफिनेशंस बस। उसके अलावा सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कौन सी, वो डंपी लेवल का जो होता है ना बबल ट्यूब, उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, फिर सी सी और सी आर यानी करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड करेक्शन फॉर रिफ्रेक्शंस, वो आप देख लेना। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करूँ मैं तो लेवलिंग का एक आधा क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। ठीक है ना, ये सेगमेंट का मतलब क्या कि आपको मैक्सिमम जो टर्म होती है वो न्यूमेरिकल यहाँ से मिल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। फिर थोड़ी ये टर्म जो है नीचे वाली, इसको आप एक बस आपको टर्म को पता होना चाहिए, जब तक कुछ टिपिकल नहीं पूछने वाला। सेंसिटिविटी बबल में से कई बार क्या पूछ लेता है कि बबल टिप की सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है, विस्कोसिटी पे या उसके डायमीटर पे, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बस ये बेसिक टर्म्स हैं ये वाला। ठीक है, इस अगर पूरे टॉपिक को आप देखोगे तो आई थिंक अगर आप उस मेरे लेक्चर को देखोगे आप तो आप आधा घंटा या घंटे में पूरा टॉपिक कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, सेकेंड हमारा है कंपास। अब कंपास में क्या, एक तो बेसिक टर्म्स, टर्म कौन सी कि भाई ट्रू बेरिंग क्या होती है, मैग्नेटिक बेरिंग क्या होती है, ठीक है ना, और ये ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है। ठीक है, उसके उसके बाद उसका न्यूमेरिकल कि भाई आज साउथ 30 डिग्री ईस्ट में डिक्लेशन था है ना, और ईस्ट डिक्लेशन है वेस्ट डिक्लेशन है, तो उसका प्रेजेंट ट्रू बेरिंग मैग्नेट बेरिंग क्या होगी, यानी कि बेरिंग फाइंड आउट करना। तो न्यूमेरिकल एक तो लेवलिंग में से और एक बेरिंग में से, ये हर साल फेवरेट टॉपिक है और न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है ना, कन्फर्म आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, या तो मिलेगा आपको न्यूमेरिकल बेरिंग पे या मिलेगा लेवलिंग पे, कई बार दोनों पे न्यूमेरिकल हो जाता है कि ठीक है, और आगे जाएगा तो इन्वर्टेड स्टार पे न्यूमेरिकल मिल जाएगा आपको। तो ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन सब तो मैंने आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है ना, उसके अलावा देखोगे आप कि चेन सर्वे और लीनियर मेजरमेंट, उसमें चेन और टेप के प्रकार, उसका कौन कौन से करेक्शन होते हैं, वो एक 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 सिंपल टॉपिक है। ठीक है ना, उसके बाद प्लेन टेबल सर्वे में क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वे की कौन सी मेथड है, बस बस केवल मेथड के नाम, और उसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला एक्स्ट्रा आपसे कि इतना डीपली उसके इस मेथड में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं पूछता, हमेशा ये प्लेन टेबल सर्वे के नॉर्मल जो मेथड्स हैं उनके नाम पूछता है, कौन सा मेथड कहाँ यूज़ करते हैं, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं पूछता। फिर कंटूर की बेसिक डेफिनेशन, कंटूर इंटरवल क्या होता है, कंटूर ग्रेड क्या होता है, ये थ्योरलेट में थ्योरलेट की स्विंगिंग क्या होती है, ट्यूनिंग एक्सरसाइज क्या होती है, जो बेसिक्स टर्म्स है थ्योरलेट की, वो ट्रेवर्स सर्वे में क्लोज ट्रेवर्स ओपन ट्रेवर्स इसमें क्या होता है, बाउंड्री जो होता है ना मेथड आपके, उसमें कुछ छोटा मोटा पूछ ले। बाकी ये ऐसे मेथड है जिसमें आपको वन लाइन क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये मैं ये इसलिए बता रहा हूँ इसको नीचे लाएँ क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन वो यहाँ से निकल आते हैं, कई बार इन कंपास और लेवलिंग में से आपको 10 में से 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर ये चेन टेप प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है, फिर ये जो आपका है टैकोमेट्रिक सर्वे, इससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और सर्वे के एरिया और वॉल्यूम निकालने के मेथड्स उसमें, और लास्ट अपना बचता है कर्व्स। ठीक है, तो एक ध्यान रखना, ये जो इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसमें इतना कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि भाई उसके अंदर जा जाकर इतना इतना डीपली नहीं पूछता, वो सिर्फ टैकोमेट्रिक में होता है कि मल्टीपल करेक्शन होता है। ठीक है, डिविडेंड करेक्शन, जो करेक्शन जो एक वन 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 पेज का टॉपिक है सिर्फ, ये सिर्फ एक पेज का टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो जो टॉपिक अपन इसमें कवर कर रखे हैं, आपको कई टॉपिक मेरे चैनल पर मिल जाएंगे आपको इस वीडियोज़ में, तो आप उसको देख लेना, और इस पर न्यूमेरिकल जो है वो पक्का आता है। ठीक है ना, तो मैं अभी बात को न्यूमेरिकल की, तो लेवलिंग में न्यूमेरिकल मिलेगा आपको और कंपास में न्यूमेरिकल पक्का मिलेगा। ठीक है, कंपास के न्यूमेरिकल कैसे टैकल करने हैं है ना, उसका इसी चैनल पे वीडियोस पड़े हैं, आपको देख लेना,
और उसको देखने के बाद आप कंपास पे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आप इजीली इसको टैकल कर लेंगे, कन्फर्म है ये। और इसका भी न्यूमेरिकल मैंने उसमें दे रखा है कैसे करना है आपको, ठीक है। तो एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें आपको सहरों को कैसे टैकल करना है। अगर आप इसकी जो जो भी मेथड्स हैं जो मैंने अभी आपको हल्का सा ओवरव्यू दिया और आप उसको वीडियोस को आगे देख के जो आपको टॉपिक समझ में नहीं है वहाँ से देख सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली जो इस सर्वे का जो टॉपिक है ना वो आप इजीली कवर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं आने वाली ही। और बेसिकली मेरा ये मानना है कि जो 8-10 मार्क्स है ना ये ऐसे मार्क्स हैं कि आपको कम मेहनत में ये मार्क्स आसानी से अचीव हो जाएंगे। थोड़ा सा कम एफर्ट लगाओगे और थोड़ा सा सही अप्रोच लगाओगे तो ये नंबर आप ले सकते हो, ठीक है ना। अभी भी ये मान लो कोई कह रहा है सर मुझे इतना नहीं पढ़ना, तो अगर वो लेवलिंग कंपास ठीक है दो और ये प्लेन टेबल के क्या होते हैं मेथड वो पढ़ लें और कंटूर पढ़ लें हल्का सा, ठीक है। और इसके अलावा ट्रैवर्स का तो उतना कोई जरूरत नहीं है, चाहे पास तो भी पढ़े तो भी वो 10 में से 7 क्वेश्चन तो कर सकता है आराम से। बट अभी अगर आपको ऐसा टाइम है तो आप सबको रीडिंग मान लेना, पर जो ऊपर से टॉपिक है उन पर थोड़ा फोकस ध्यान रखना ज़्यादा, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।